अस्सलाम वालेकुम। जी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं और फूल भी बहुत अच्छे खिले हुए हैं। हालांकि अब सीज़न नहीं है ये प्रोटोला का और पल्सलीन का, लेकिन अभी भी खिल रहे हैं। और जो मैंने रोज़ेस की थी कटिंग, वो भी बहुत अच्छी, उनकी शूट्स निकल रही हैं, सब्ज़ियाँ भी और फूल भी। अभी गेंदा खिलना शुरू हो रहा है, लेकिन अब ये प्रोटोला का और पर्सलिन अभी भी खिले हुए हैं। तो इसकी वजह है, एक तो केयर ज़ाहिर है, जो गार्डन का जिन्हें शौक़ है वो केयर भी करते हैं। केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लांट्स की लोकेशन, कहाँ पे उनको रखा है, कितनी सनलाइट मिल रही है और पानी कितना मिल रहा है, किस तरह की सॉइल है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या प्लांट्स को क्या खुराक दे रहे हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो किचन कंपोस्ट है बना के रखी होती है। अभी भी मेरे 2-3 डब्बे जो हैं वो तैयारी के मरहले में हैं। तो जितने भी छिलके किचन में जमा होते हैं मैं उन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करती और उनको इसी तरह कंपोस्ट उसकी बना लेती हूँ। अब फिर ये काफ़ी सारे छिलके जमा थे, मैंने कहा आपसे बात भी करूँ और चले आज फिर से खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक किचन कंपोस्ट आज तैयार करते हैं। ये मेरी पहले से तैयार है, ये देखिए ये जो डब्बा भरा पड़ा है ये किचन कंपोस्ट ही है। और देखने में देखें बिल्कुल मिट्टी हो जाते हैं छिलके फ्रूट्स के, सब्ज़ियों के। तो ये बहुत बेहतरीन खाद है, मेरे तो पूरे गार्डन में यही, मैं तमाम फूलों को, सब्जियों को, फलों के जो हैं पौधे, जैसे ये लेमन ट्री है, मैं यही वाली खाद इस्तेमाल करती हूँ। तो आज चलें, किसी ने पूछा भी था कि कैसे आप कंपोस्ट तैयार करती हैं, तो ये इस पे हम आज काम करते हैं। ये सूखे हुए पत्ते मैंने डब्बे में पहले डाल दिए नीचे बेस में, तो इसके ऊपर हम ये सब्जियों के छिलके उनको ऐसे फैला लेंगे। तो थोड़े थोड़े 2-3 लेयर्स हम बनाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर फिर जो मैंने किचन कंपोस्ट पहले से मेरी तैयार है उसकी एक लेयर, क्योंकि ये जो पहले से तैयार किचन कंपोस्ट होती है वो शामिल करने का मकसद होता है कि फर्मेंटेशन ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो किचन कंपोस्ट है वो जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो इस तरह एक लेयर उसकी हम ऐसे बीच में लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल है मेरी, तो गार्डन की सॉइल भी बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे अर्थवर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये वर्मी कंपोस्ट की ही तरह की है। ऐसे अच्छी तरह उसकी लेयर लगाएंगे। मोर मुझे तो ये पसंद है, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होती है और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसके मुकाबले में तो ये बहुत बेहतरीन है। सॉइल हमेशा इसमें ताकतवर ही रहती है, आपकी जो किचन की जो कंपोस्ट जब आप यूज़ करते हैं तो जो मिट्टी आप गार्डन में यूज़ कर रहे हैं वो वीक नहीं होती, उसमें कमज़ोरी नहीं आती, हरी भरी आपके गार्डन रहेगा। अच्छा, ये चाय की पत्ती है जो मैंने धो के तो खुश की हुई है, ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है। चाय की जो पत्ती है ना, इसको आपने अच्छी तरह से जो इस्तेमाल हो जाती है उसको वॉश करके धूप में खुश करके, तो आपने वो भी यूज़ करनी है दरमियान में, ये इसकी लेयर लगा लेनी है। तो ये बहुत बेहतरीन है, जो नाइट्रोजन से भरपूर होती है चाय की पत्ती। तो इसके ऊपर हम एक और लेयर ये सारे ही डाल देते हैं, इस तरह तमाम फ्रूट्स, केला, इसमें देखें केले के छिलके हैं, लेमन है, प्याज के छिलके हैं,
आलू के हैं, गोभी के हैं, तो ये बहुत ताकतवर फर्टिलाइज़र बनती है। फिर इस पे हम एक छोटी सी लेयर ये पहले से जो हमारी तैयार किचन कंपोस्ट है इसकी लगा लेंगे। इसके ऊपर हम गार्डन सॉइल की लेयर लगाएंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा आप अगर ये ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। अपने किचन की जो वेस्ट है वो ज़रूर आप किचन कंपोस्ट की शक्ल में उसको कन्वर्ट करें, किचन कंपोस्ट बनाएं, तो आपके गार्डन में प्लांट्स हमेशा सेहतमंद तरोताज़ा हरे भरे रहेंगे। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है उसका ये नुकसान होता है कि वो बस थोड़ी देर टेम्परेरी उसका असर रहता है, उसके बाद ज़मीन फिर से कमज़ोर हो जाती है। इसके ऊपर हम मिट्टी जो गार्डन सॉइल है उसकी लेयर लगा लेते हैं। इस तरह आप लेयर लगाते जाएं और आपकी बेहतरीन खाद तैयार। अब देखें इसके अंदर चाय की पत्ती है, फलों के केले के छिलके जो कि पोटाशियम से भरपूर होते हैं, और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना। लेकिन डब्बा मेरा काफ़ी बड़ा है लेकिन चलें, और जो तैयार होंगे वो भी इसमें मैं फिर डालती रहूँगी। ना ही इसकी कोई स्मेल आती है ना कुछ, ये थोड़ी सी मैं रिवर सैंड भी इसमें डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी हमारी कंपोस्ट से याद हो। कोई स्मेल नहीं आती बिल्कुल। मैंने तो कई बार तैयार की है, बनाती रहती हूँ, कभी स्मेल नहीं आई। हमारे गार्डन में ही ये पड़ी होती है, तो इसे अब हम साए में इस तरह कवर करके रख देंगे। इस तरह आप इसको कवर करें। बंद करके ऐसे रखते हैं साए में। आप इस बास्केट को जिसमें भी आप बनाएं तो उसको इस तरह बंद करके रख दें, तो आमतौर पे तो 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है अगर आप किचन कंपोस्ट की लेयर लगाते हैं। अगर किचन कंपोस्ट आपके पास पहले से तैयार नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ये देखें मैंने तमाम सब्ज़ियों के फलों के छिलके ड्राई कर रही हूँ, अभी थोड़े से ही काफ़ी हो गए हैं खुश्क, लेकिन अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है। मैंने इसको ये देखें केले का छिलका ये अभी थोड़ा सॉफ्ट है, ज़रा और पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर मैं इनको ग्राइंडर में डाल के पीस के रख लूँगी। ये देखें कुछ छिलके बहुत अच्छे सूख गए हैं, कुछ अभी नरम है। ये सेब के हैं ये भी अभी नरम। फलों के छिलके मैंने देखा है ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये लहसुन के हैं, ये भी देखें, ये आलू के छिलके, ये भी आलू के छिलके हैं। ये अच्छे ये ड्राई हो गए, इनको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। तो ये भी सर्दियों में जब हमारे प्लांट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो ये बड़े अच्छे ड्राई पाउडर जो है फलों का अच्छा। ये हैं इसके संतरे के और मिठे और ग्रेप फ्रूट के छिलके, ये भी बहुत अच्छे ड्राई हो रहे हैं, तो ये इनको भी मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके अलग-अलग बॉटल्स में भर के रख लूँगी। तो इस तरह हम ये तमाम किचन की जो सब्जियों फलों के वेस्ट हैं उनसे हम या तो इस तरह ड्राई करके उन्हें आप ग्राइंडर में पीस के तो डब्बे भर के रख लें, और जब फिर आपको ज़रूरत हो हर 10, क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स को खाद की फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब फ्रॉस्टिंग शुरू हो जाएगी तो फिर ये पौधे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उन स्ट्रेस को यही नेचुरल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। तो और हमारी जो
सॉइल है बहुत ताकतवर रहती है और प्लांट्स बड़े आराम से सर्दियों की शिद्दत को, फ्रॉस्टिंग को टॉलरेट कर लेते हैं। बस आपसे यही शेयर करना था कि इस तरह आप सब्जियों के छिलकों को ज़ाया करने के बजाय खुश कर लें, ड्राई कर लें, या फिर इस तरह वेट किचन कंपोस्ट जैसे मैंने अभी तैयार की है तो इस तरह आप बना के रख लें तो आपके प्लांट्स की बहुत तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। इसमें केले के, आलू, प्याज, लहसुन और तमाम सिट्रस फ्रूट्स के छिलके, बहुत ताकत होती है। इसमें वाइटामिन्स होते हैं, माइक्रोमिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये नेचुरल कुदरती तरीका है जो डीकम्पोज हो जाते हैं फर्मेंटेशन से। बहुत अच्छे अगर आप इस तरह से कंपोस्ट बनाते हैं तो वो फर्मेंट होके बहुत बेहतरीन खाद बनती है। या इस तरह खुश्क पाउडर, ये बहुत अच्छा है। आप एक एक दो दो चम्मच गमलों में, पॉट्स में और फूलों की क्यारियों में, सब्जियों में डालते रहें और आपकी ज़मीन बहुत ताकतवर रहेगी और प्लांट्स सेहतमंद, हरे भरे, सब्जियों से और फूलों से भरे रहेंगे, लश ग्रीन रहेंगे। और सर्दियों के जो हार्श विंटर डेज हैं वो गार्डन जो है उन दिनों में भी आपका हरा भरा फूलों से लदा रहेगा, सब्जियों और फलों से भरपूर रहेगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। किचन की जो ये वेस्ट है, ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत कीमती है और इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, तो इनको इस्तेमाल करें। और नेचुरल जो तरीके हैं कुदरती डीकम्पोज करके सब्जियों के छिलकों को इस्तेमाल करने का, उसको अडॉप्ट करें। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में पूछिएगा, कोई बात पूछनी हो, कोई बात शेयर करनी हो या कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।